हम पूछ रहे हैं, बताते रहिए। आरपीएफ में क्या नाम है भैया आपका? बता दूँ मेरे पास शाम को कल 4 बजे एक फोन आया, मैंने उस फोन को उठाया तो हमें बाहर बुलाया गया। मैंने जब बाहर निकल करके देखा तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई थी आगे सामने, और उस स्कॉर्पियो गाड़ी के पास गया तो अंदर हमें बुलाया गया जैसे कि, और हमें वो हाथ मिलाने के लिए बोले, हाथ मिलाया, और उसी हाथ मिलाते समय पता ना हमें क्या सुंघा दिया गया, क्या किया गया हमें कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद वहाँ से हमें कुछ पता नहीं चला, बाद में डायरेक्ट पता चला शाहपुर स्टेशन पे। जब यहाँ पे जब मैंने पहुँचा तो यहाँ पे मेरा एकदम हालत बहुत गंभीर हो चुका था, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ पे आ चुके हैं। मेरा अपहरण क्लिनिक से मेरे हुआ, मैं अपने क्लिनिक में अंदर चैम्बर में मरीज देख रहा था। मेरे सुबह हमारे इंस्पेक्टर साहब बी के सिंह साहब के पास एक सूचना आई और व्हाट्सएप पर भी आया कि इस प्रकार से एक व्यक्ति जो मैरवा थाना से कि गुम है, पुरुषदा अपहरण हो चुका है, शायद किसी अगर ट्रेन में वो इस प्रकार से पाए जाते हैं तो आप उनको वहीं पर रोक लें। तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे आदेश किया कि आप जाके प्लेटफार्म नंबर 2-3 जो बिहार से आने वाली ट्रेनों को चेक करना। तो हम 2-3 नंबर प्लेटफार्म पर गए तो जो भी ट्रेन आ रही थी उधर ही चेक करें तो एक व्यक्ति इनको लेकर आ रहे थे। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये एसएससी के बिहार से आए हैं और इनके साथ इस प्रकार से घटना हुई है और इनके पास ये मोबाइल है, पैसा है और इनकी आईडी है। और फिर इन्होंने से हमने बातचीत की तो इन्होंने अपनी पूरी घटना का बयान किया और हम लेकर इनको